आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर जरूर आ गए हैं, लेकिन उनकी सक्रियता अभी भी कम दिख रही है। इसी बीच बीते कुछ दिनों से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। रोहिणी आचार्य बिहार सरकार पर हमलावर हैं। रोहिणी ने एक बार फिर ट्वीट करके बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, दिल पर हाथ रखकर पूछिए सरकार, क्या आप इस कुर्सी के काबिल हो? जब संभल नहीं रहा है राज्य, अपनी अंतरात्मा को जगाकर क्यों नहीं कुर्सी से उतर जाते जनाब? रोहिणी आचार्य ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को लेकर भी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। भाजपा का एक नेता हाफ पैंट वाला बरसाती मेढक है। रोहिणी ने दूसरी ट्वीट में सिवान के एम्बुलेंस मामले की चर्चा करते हुए सुशील मोदी के खिलाफ तीखा हमला बोला। सुशील मोदी को लेकर रोहिणी आचार्य ने कहा कि कमीशन की खातिर एम्बुलेंस घोटाले पर मौनी मबा जो अभी बना हुआ है, यही लालू जी के राज में एम्बुलेंस का अगर एक चक्का भी पंचर होता तो हाफ पैंट वाले इस बरसाती मेढक मीडिया से लेकर कोर्ट तक कागज का पुलिंदा दिन रात लड़ते दिखते थे। आपको बता दें कि सिवान में एम्बुलेंस घोटाला को लेकर बिहार की राजनीति उबाल पर है। ये एम्बुलेंस एमएलसी टुन्ना पांडे के अलावा तत्कालीन विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और पूर्व मंत्री व्यास देव प्रसाद के फंड से खरीदी गई हैं। वहीं रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर का आरोप है कि 7 लाख की कीमत वाली एम्बुलेंस को 22 लाख में खरीदा गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सरकार पर विपक्षी दलों के अलावा उनके सहयोगी भी हमलावर हैं। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। साथ ही हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।